एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज 9255.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। ज़्यादा चेयर की कॉस्ट दी गई है, वन चेयर की कॉस्ट आपसे पूछ रहा है, आप डिवाइड करके इसका आंसर बताएंगे। आप यहाँ लिखेंगे दी कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज इक्वल टू रुपीज 9255.60। देन दी कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू रुपीज 9255.60 डिवाइड बाई 24। तो 24 से डिवाइड करना है 9255.60 और आप यहाँ पे इसको कर दो डिवाइड, कितना हो जाएगा 9255.60 डिवाइड बाय 24। क्या करेंगे आप, पहले ले जाएंगे 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 7 माइनस कर लीजिए, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। फिर ले आएंगे 5 8 जा ले गए और 8 4 जा 32 8 2 जा 16 3 19, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 1 कैंसिल। इस 5 को ले आइए और ले जाइए यहाँ पर 5 जा 5 4 जा 20 5 2 जा 10 टू 12, 5 1 कैंसिल हो गया, पॉइंट लेकर के यहाँ पर आप चलेंगे 0। 6 जा 6 4 जा 24 कैरी 2 12 टू 14, 6 में से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, पॉइंट है तो 0 बढ़ा लीजिए और 5 जा 120। आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू रुपीज 385.65। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 मीटर क्लॉथ में 1 शर्ट बनता है तो यहाँ पर 45 मीटर में कितने शर्ट बनेंगे। 1.5 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 1 शर्ट, तो 1 मीटर आप क्लॉथ में कितने आ जाएंगे, 1 अपॉन 1.5 शर्ट्स ये आ जाएगा। अब आपके पास कितने मीटर हैं, 45 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1.18 × 45, तो यहाँ पर 45/1.8 होगा, मल्टीप्लाई करो 10 से ताकि ये आपके पॉइंट हट जाए डिनोमिनेटर से, तो 450/18 हो गया। 450 / 18 = 36, 9 आ गया, यहाँ पर 0 लिया, 18 5 जा 90, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 25 शर्ट्स विल बी मेक, ठीक है 25 शर्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार कवर डिस्टेंस 2.4 लीटर 22.8 किलोमीटर, तो इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, ध्यान दीजिए पेट्रोल इज इक्वल टू 22.8 किलोमीटर, देन इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 22.8 / 2.4, आपने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, 8 / 24 7 जा ले जाएंगे तो ज़्यादा जाएगा, तो क्या करना होगा इसका, 2 2 8 को डिवाइड करिए 24 से, कितना जाएगा यहाँ पे 2 2 8, आपके पास 228 है, डिवाइड करना है आपको 24 से, तो पहले कितना जाएगा 9 जा 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 3 21, 8 - 6 = 2, 2 - 1 पॉइंट है तो यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए और ये जाएगा 120, मतलब यहाँ पर
2.1 लीटर पेट्रोल में वह कार 9.5 किलोमीटर की जर्नी को कवर करेगी। आंसर 9.5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 11 देखें। 11 पर है 10 होल्ड 16.5 लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मच 10 विल रिक्वायर टू होल्ड। तो यहाँ पर जाएगा कि जो 16.5 लीटर ऑफ ऑयल इन कितने 10 तो 1 लीटर कितने में आ जाएगा, इज इक्वल टू 16.5 कितना हो जाएगा। अब क्या करिएगा, 478.5 लीटर ऑफ ऑयल 478.5। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, कितना हो गया 478.5 एंड 16, यहाँ पर से पॉइंट हट गया। अब आप करो डिवाइड और 478.5, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, डिवीजन में ले आना है। तो 4785 को डिवाइड करोगे 165 से, तो आप पहले कितना ले जाओगे, 2 जा 2 5 जा 10, 12 एंड 1 13, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 8 7 माइनस 3 4 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये 1 होगा, ठीक है। और आप कितने ले गए, 5 जा 9 जा ले जाओ 1 4 8 5, पूरा ये कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो होगा 29 tins। 29 tins में सारे ऑयल को भर लिया जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ सुगर इतना किलोग्राम, इफ़ ऑल द बॉयज बैग्स वेट इक्वली, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग। द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ सुगर इज इक्वल टू 3644.5 किलोग्राम। द वेट ऑफ वन बैग ऑफ सुगर इज इक्वल टू 3644.5 डिवाइड बाई 37। 3644.5 डिवाइड बाई 37, ठीक है। एक बैग का कितना वेट हो जाएगा, तो 36 आपके पास है, 0.5 में डिवाइड करना है आपको 37 से। तो सबसे पहले आप ले जाओ 9 जा 9 7 जा 63 कैरी 6 9 3 जा 27 थी 30 33 4 माइनस 3 1 6 माइनस 3 3, और आ गया यहाँ पर 4। अब कितने टाइम ले जाएंगे, 8 जा 8 7 जा 56 कैरी 5 24 5 29, 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, और यहाँ पर कैंसिल हो गया, पॉइंट कितना हो गया 5। और अब आप ले जाएंगे यहाँ पर 5 और 185 कैंसिल हो जाएगा, आंसर लिखा जाएगा द वेट ऑफ वन बैग इज इक्वल टू 98.5 किलोग्राम। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। थैंक यू।